जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लगातार जाप के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। बिहार सरकार की जो नीतियां हैं उस पर सवाल खड़ा करते हैं और जिस तरीके से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया उसको लेके जो उनके कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार उनकी रिहाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो बिहार के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी का अंतिम संस्कार करते हैं तो कभी उनका पुतला दहन करते हैं और कभी सड़कों पे उतर के अंग प्रदर्शन करते हैं। और आज आपको बता दूं कि जाप के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जल सत्याग्रह किए हैं। आपको बता दूं कि गंगा जी में उतर के उन्होंने जल सत्याग्रह किया है और पप्पू यादव की रिहाई की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं जाप के नेता, ये पहले सुन लेते हैं। जल सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। जन सेवक पप्पू यादव आज एक माह से जेलों में बंद है। उनका केवल एक ही कारण था, उन्होंने अपने शमशान तक लोगों को सेवा करने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम किया, दवा देने का काम किया, भेड़ देने का काम किया। और हम लोग इसलिए आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर जल सत्याग्रह नहीं हुए तो बिहार की निकम्मी जो सरकार है, जो विगत 28 वर्षों में हमारे माननीय सांसद जी को फरार घोषित किया, और जबकि वास्तविकता यह है कि जब फरारी उनकी घोषित की गई 1993 ईस्वी में, तो 1994 ईस्वी में वहाँ उनकी शादी हुई और वहाँ पूरे बिहार, पूरे देश के गणमान्य व्यक्ति वहाँ मौजूद रहे। और जो है वह 8 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने 5 बार रहा। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यह मांग करना चाहता हूं, क्योंकि विधि व्यवस्था भी उन्हीं के पास है, तो क्या वह निर्दोष पुलिसकर्मी जो झूठ मूठ के फरारी जो घोषित किए हैं, क्या उन्हें वह निलंबित करने का काम करेंगे? और जो विगत जो किडनैपिंग का मामला है, वो खुद जिन्हें किडनैप किया गया उन्होंने भी कोर्ट में गवाही दे दिया, तो किस षड्यंत्र के तहत हमारे माननीय नेता राजेश रंजन पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर रखा गया है? यह जो है जुल्मों की अंबार है। क्या बिहार में फिर से नीतीश ही कुमार है? तो आपने सुना, सीधे तौर पे उनका कहना था कि आज हमने जल सत्याग्रह किया है और जिस तरीके से पप्पू यादव को 32 साल पुराने केस में फंसाया गया है, हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश, हाईकोर्ट बंद है, कोर्ट बंद है, ऐसे में जो जजमेंट है वो सुनाई नहीं गई। हालांकि बीते दिनों की खबर है कि पप्पू यादव की रिहाई हो रही थी, जमानत उन्हें मिल रहा था, लेकिन जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। उसके बाद लगातार जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता और समर्थक है वो सड़क पर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। बिहार सरकार की जो नीतियां हैं उस पे सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं और उनका साफ शब्दों में कहना था कि पप्पू यादव जनजन के नेता हैं, वो हर समय लोगों के बीच रहे, लोगों की मदद किए हैं और उनकी मदद करने का ही नतीजा है कि उन्हें जेल भेजा गया। हम बिहार सरकार से उनकी रिहाई की मांग करते हैं। अब देखने वाली बात है कि जल सत्याग्रह के बाद क्या पप्पू यादव की रिहाई होती है या नहीं। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।